आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट विद प्राइम टैली। हम टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड पे है और आज मैं आपको बताऊंगी किसी भी वर्कबुक सॉरी किसी भी टैक्स को हम कैसे अनेबल करते हैं और टैक्स क्या है। इससे पहले भी मैं आपको फर्स्ट वीडियोज में जो सारे डेफिनेशन बताई थी उसमें भी टैक्स की डेफिनेशन बता रखी हूँ और टैक्स के जो स्लैब रेट है वो उसके बारे में भी मैं आपको बताई थी। जैसे कि मैं एक बार और आपको रिपीट कर दूं कि टैक्स क्या है और टैक्स की स्लैब रेट वगैरह क्या है। ये जानते हैं टैक्स इज वन ऑफ द फाइनेंशियल चार्जेज विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड और कंपनी बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The purpose of the tax is given to government, treasury use of development of nation or other welfare related to work. Simply we can say that taxes are paid the nation, are made. Tax हमारे दो थे, direct tax और indirect tax. Direct tax में हमारा income tax, wealth tax, corporate tax, capital gains tax, extra और भी आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमारा जीएसटी और जीएसटी अभी जोरों शोरों से मार्केट में चल रही है। इनकम टैक्स की स्लैब रेट जो हम बनाए थे इंडिविजुअल एचयूएफ जो 60 ईयर ग्लो करते हैं उनकी फाइनेंशियल 2017-18 में जो थे अप टू 2.5 लाख हो तो 0% नो टैक्स कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर इनकम हमारे 2.5 लाख से 5 लाख हो तो 5% टैक्स लगता है वो जो 60 ईयर ओल्ड होते हैं। एंड 5 लाख से 10 लाख हो तो 20%, 10 लाख से 50 लाख हो तो 30%, 50 लाख से 1 करोड़ हो तो 30% के साथ साथ सरचार्जेस भी 10% लगते हैं। एंड 1 करोड़ से अबव उनकी इनकम सालाना इनकम होती है तो 30% चार्जेस के साथ साथ 12% यानी कि 12.5% सरचार्ज देने होते हैं। एंड देन दूसरा है टीडीएस। टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिसाइडेड एट कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फ्रॉम टैक्स प्रेपर बाय डिडक्टर। इनकम टैक्स स्लैब रेट अदर देन सैलरी इनकम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ बिलो 16 इयर्स एंड फॉर 2017 17-18 के हिसाब से जो 60 साल के कम उम्र के पब्लिक के लिए जो ये टैक्स है जिनकी इनकम सालाना प्रोफेशनल फी फॉर टेक्निकल सर्विस अगर उसमें वो 30,000 एग्जेम्प्ट कर रहे हैं एग्जेम्प्ट लिमिट 30,000 तक है अगर 30,000 को पार कर रहे हैं तो उन्हें 10% टैक्स देने होते हैं गवर्नमेंट को। रिटर्न प्लांट एंड मशीनरी पे जो वो एग्जेम्प्ट लिमिट 1,80,000 का अगर 1,80,000 से ज्यादा आप मशीनरी वगैरह पे इनकम हो रही है आपकी तो 2% हमारा टैक्स रेट होता है। एंड रेंट लैंडिंग बिल्डिंग एंड इंटरेस्ट ऑन और सिक्रेटरीज वगैरह पे अगर आप 10,000 तक एग्जेम्प्ट लिमिट है आपका और उससे ज्यादा आप कमा रहे हैं उस पे इनकम अर्न कर रहे हैं तो 10% टैक्स देने होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम आगे आते हैं जीएसटी। जीएसटी हमारा गुड्स सर्विस टैक्स है। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि मैं पहले बताई थी जीएसटी हमारा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज गुड्स सेलिंग और सर्विसिंग। द पर्पस ऑफ जीएसटी वन ऑफ टैक्स सिंगल मार्केट इन इंडिया। ये टैक्स मार्केट में अभी सिंगल है जो कि इंडिया का टैक्स है। सिर्फ इंडिया में ही ये जीएसटी एनेबल होते हैं। एंड इसका जो प्रेजेंट है वो 1200 आइटम पे अवेलेबल है जीएसटी। जैसे कि हम देख सकते हैं जीएसटी का स्लैब रेट लूज आइटम पे हमें कोई जीएसटी नहीं लगती है। लूज जो हमारा गुड्स वगैरह होगा या फिर कोई सर्विस उस पे हमें कोई जीएसटी देना नहीं है। एंड कॉमन यूज थिंग्स पे हम 5% जीएसटी देते हैं। जैसे कि हम कॉमन यूज थिंग्स में हमारा आ जाता है जैसे दूध दही मसाला अगरबत्ती शूज हो गया हमारा फैब्रिक का कोई सामान हो गया कोई भी आइटम हो गया फैब्रिक का उस सब पे हमें मात्र 5% जीएसटी देने होते हैं।
स्टैंडर्ड आइटम पे हमें 12% जीएसटी देने होते हैं। स्टैंडर्ड आइटम में दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड आइटम में हमारा आ जाता है घी, पनीर, मोबाइल वगैरह। सेकेंड स्टैंडर्ड आइटम में हमें 18% जीएसटी देने होते हैं, और उसमें हमारा स्टैंड करता है जैसे टूथपेस्ट हो गया, कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट हो गया, बिको वगैरह, पाउडर वगैरह ये सब, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो गया, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मेन बोर्ड वगैरह, इन सब पे हमें 18% जीएसटी लगती है। एंड लग्जरी पे, लग्जरी मीन्स कार, बाइक, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और टिकट की मूवीज वगैरह, इन सब पे हमें 28% जीएसटी देने होते हैं। तो आइए हम इस जीएसटी को टैली प्राइम में किस तरह अनेबल करें और जीएसटी हम किस तरह से जीएसटी की एंट्री टैली प्राइम में करेंगे, उसके लिए हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी जिसपे हम जीएसटी की सारी डिटेल्स को यस करेंगे एंड उसमें वर्क करेंगे। इसके लिए पहले हम जीएसटी अनेबल कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली के विंडोज पे हम कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, और जो हमारा अब ये टैली का सबसे लास्ट एंड थर्ड टॉपिक है टैक्सेशन, जिसमें हम आएंगे, और ये हमारा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को हमें यहाँ यस करने होंगे एंड देन हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ से आएंगे अकाउंट्स बुक पे, और अकाउंट्स बुक पे हम लेजर क्रिएट करेंगे। जीएसटी के लिए हमें अलग से एक लेजर बनाने होंगे, तो हम लेजर पे आएंगे और लेजर पे हम यहाँ क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे हम लिखेंगे परचेज, क्योंकि हम परचेज और सेल्स करेंगे उसी पे हमारी जीएसटी या फिर कोई भी टैक्स अनेबल होते हैं। परचेज एट द रेट 18% जीएसटी, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि जो भी जीएसटी होता है वो 18% एंड 28% लगते हैं, और वो आई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 99% दिए जाते हैं। 18% जीएसटी इंटरफेस करके हम इसे डालेंगे परचेज के लेजर में। परचेज अकाउंट्स में और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहने से जीएसटी हम अप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे हम यहाँ यस करेंगे, और जैसे ही हमने जीएसटी की डिटेल्स यस किया तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कि हमें ये जीएसटी जो लेने हैं वो किस ट्रांजेक्शन में लेने हैं उसे हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम नो रहने दें एंड आगे बढ़ेंगे। और जो यहाँ हमारा है टाइप ऑफ, वो हम बाय डिफॉल्ट हमारा सप्लाई आता है, बट हम गुड सिलेक्ट करेंगे। और जो प्रोवाइड बैंक डिटेल्स है, बैंक की जो डिटेल्स हमें देनी है तो वो हम डाल सकते हैं एंड देन इसे एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे, परचेज एट द रेट 28%, इसे भी हम परचेज अकाउंट में डालेंगे, और जो भी हमारा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी हमारा अप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ हम गुड सिलेक्ट करें एंड देन हम इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स की, एक ही बार हम सारे लेजर क्रिएट करके आपको बता देंगे कि कैसे कैसे ये एंट्री की जाती है। सेल्स एट द रेट 18%, सेल्स हमारा सेल्स के अकाउंट में आएगा जो भी हम एस प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और ये हमारा नॉट अप्लीकेबल एंड द जीएसटी हमारा अप्लीकेबल, और यहाँ पे हम गुड सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स वगैरह होगी वो आप यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल्स एट द रेट 28
परसेंट सेल्स अकाउंट्स सर्विस गुड्स एंड कंट्रोल से एक्सेल। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, इसमें हमने लेजर क्रिएट किया। अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा जो कि हमें वापिस हम आएंगे इन्वेंट्री बुक पे और यहाँ से हम स्टॉक ग्रुप समरी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में हम जाएंगे और यहाँ से हम सॉरी लेजर हमें क्रिएट करनी है। अकाउंट बुक में लेजर से जो लेजर क्रिएट करनी होगी वो आप एक इंफॉर्मेशन कंपनी ले लेते हैं जिसमें हम जीएसटी डालेंगे सॉफ्टटेक। इंफॉर्मेशन ये हमारा सिंडिकेटर्स में आएगा। सेलेक्ट किया मेंटेनेंस बिल बाय बिल इसे हम यस रहने दें। जो हमारा स्टेट वगैरह है वो सब हम रहने दें और देन हम इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट वापिस से हम लेजर क्रिएट करेंगे। एसजीएसटी की एसजीएसटी जो कि हमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स है और ये इसका टाइप हो जाएगा हमारा डिटीज एंड टैक्सेस। हमने कीबोर्ड से डी प्रेस किया, अंदर में हम इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर और ये हमारा टैक्स टाइप। अदर अगर आपको वैट देना है टीडीएस देना है तो आप अदर सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज हम जीएसटी दे रहे हैं तो जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। स्टेट और टैक्स टाइप में हम यहाँ देंगे स्टेट परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो होगा वो हम डालेंगे देन हम इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारा लेजर बनेगा सीजीएसटी की डिटीज एंड टैक्सेस जीएसटी टैक्स ऑफ टाइप हमारा हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल टैक्स। जिस राज्य का हो वही जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल में बिहार के लिए लिया है तो हमारा बिहार में एसजीएसटी सीजीएसटी लगती है। अगर आपका अदर स्टेट का है तो आप वहां पे आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। राज्य कोई भी हो सकता है, अगर जिस राज्य को हमें जीएसटी बनाना है जिस राज्य के अंदर जिस स्टेट के अंदर बनाना है हम उसी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और उसी जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो सीजीएसटी आईजीएसटी एसजीएसटी जो है वो बिहार के लिए है एंड देन अदर स्टेट के लिए जो है वो हमारा आईजीएसटी होता है। तो हम यहाँ इसे एक्सेप्ट कर लें एंड देन क्रिएट पे जाएंगे और एक और जीएसटी हम आईजीएसटी बना लेते हैं। ये हमारा वैल्यूएशन टाइप कि हमें किसके देना है बेस्ड ऑन क्वांटिटी या बेस्ड ऑन वैल्यू अदर देन इसे हम एक्सेप्ट कर लें। वापस हम एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हम आएंगे अकाउंटिंग
इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में डिस्प्ले मोड से आएंगे इन्वेंट्री बुक में, इन्वेंट्री बुक से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें जीएसटी देना है। तो स्टॉक आइटम हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम हमारा जैसे हो जाएगा, हम कुछ ले ले रहे हैं एग्जांपल पे कैबिनेट, अंदर हमारा ये रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो हम रॉ मटेरियल की एक ग्रुप तैयार कर रखे हैं, वो हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यूनिट हमारा पीसेस में हो जाएगा। मेंटेनेंस बैच वगैरह करना है तो कीजिए, जीएसटी हम अप्लीकेबल करेंगे सिर्फ अगर जीएसटी को यहाँ पे हम यस करेंगे। देन हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा पूछ रहा है ऑन वैल्यू या ऑन आइटम, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे ऑन वैल्यू। गुड्स ऑन टैली आरपी 9 में हमारा ऑप्शन आता था गुड्स ऑन वैल्यू, यहाँ डायरेक्ट ऑन वैल्यू आया है। कैलकुलेशन टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी हमारा 18% टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और जो हम आईजीएसटी दे रहे हैं वो हम सिलेक्ट कर लें 18% एंड देन हम इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम एक दो और आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, फिर आइटम है जो हमारा अंदर में आएगा पीसेस जीएसटी सेट अल्टर डिटेल पे यहाँ यस करेंगे और ये हमारा ऑन वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा टैक्सेबल और जो हमारा टैक्स टाइप है वो हम यहाँ डाल देंगे 28% प्लस 18% देन हम इसे कंट्रोल ए से। फ्रेंड्स आपने सीखा इस वीडियो में इस जीएसटी क्या है, टैक्स क्या है, जीएसटी के कौन कौन से क्लाइवेट होते हैं, वो इस तरह इस टाइप से दिए जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लेजर जीएसटी से रिलेटेड लेजर और स्टॉक आइटम एंड देन कंपनी क्रिएट करना बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड वर्क बताऊंगी कि जीएसटी टैली प्राइम में हम कैसे उसकी जीएसटी की एंट्री करें और उसकी जो भी फीचर्स हैं वो कैसे अनेबल करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जीएसटी क्या है, उसकी फीचर्स कैसे अनेबल की जाती है, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे और जीएसटी से रिलेटेड स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट करना, अगर आपको इस समय कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।